हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि जो हमारी कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में इस प्रकार शो हो रहे हैं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन आ जाता है सेटिंग्स आइकन, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो भी हमारी फ़ोन की सेटिंग्स है हमारे फ़ोन में इस प्रकार ओपन हो जाती है, आप देख सकते हैं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन आ जाता है कि हम अपने फ़ोन की कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऐप्स ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसमें से हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे पास जो भी ऐप्स है हमारे फ़ोन में इस प्रकार शो हो जाते हैं। तो इसमें से जो हमारा ऐप्स है हमारा जी बोर्ड ऐप्स, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारा जो जी बोर्ड ऐप है ऐप ओपन हो जाता है। तो जो भी हमारे कीबोर्ड में लैगिंग प्रॉब्लम आ रही है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसे हम अपने स्टोरेज पर जाके अपने कीबोर्ड का जो भी डाटा होता है हम उसको क्लियर कर देंगे। क्लियर करते ही जो भी हमारे कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम हो रही होगी हमारे फ़ोन में वो ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं रियलमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।